हेलो एवरीवन माय नेम इज वरदान गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन सो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किन्डर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स मिल जाएगा यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड यू कैन आस्क फॉर एन यू कैन आस्क फॉर आज यू कैन आस्क फॉर एन एनसीआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे वेबसाइट पर हमारे ऐप पर यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ह्यूमन इंटेलिजेंस आती है ह्यूमन इंटेलिजेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब हमने डिस्कस कर लिया है अब बेसिकली अब आ गए हम नीड ऑफ एआई पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है हमने ये कहा कि यार बेसिकली एआई से हम मतलब अगर हमें एआई डेवलप करना है तो हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने की जरूरत है हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ इस सेंस में बढ़ानी चाहिए कि हमें ह्यूमन ब्रेन प्रॉपर्ली समझ में आ पाए क्योंकि हमें समझ में आएगा तो मैं ए बना पाऊंगा उसको समझा पाऊंगा अब ये तो ठीक है बट अगर मैंने अपनी इतनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रही तो फिर ए की जरूरत ही क्यों है तो वही हम जानने की कोशिश करें कि ए की नीड क्या है बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी जरूरत क्या है क्यों हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने की जरूरत है और क्यों हमें अभी से ही इसको सीखने की जरूरत है बाकी अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार इससे प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देख के आइए बिकॉज ये, ये सारे टॉपिक्स भाई इंटरलिंक्ड हैं तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख के आइए बिकॉज इससे पहले कि कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस बेटर है ए से या फिर ए क्या है इंटेलिजेंस क्या है क्या क्या उसके ट्रेड्स हैं टाइप्स हैं वो सब आपको पता चल जाएगा तो इसके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख के आइए अगर आपको वो वीडियोस फेच करने में प्रॉब्लम है तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी दैट इज ऑफ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास एट्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैंडम टॉपिक नहीं है भाई ये आपका यूनिट वन चल रहा है एक्साइट ऑफ क्लास एट आर्टिफिशियल तो क्लास एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट फेच करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को दे रखी है एक लिंक उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर लैंड कर जाओगे जहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा प्रॉपरली अरेंज्ड तो एक बार जरूर उस प्ले को फेच कर लेगा उसमें सारे आपको मिल जाएंगे प्लीज डू दैट क्योंकि उससे आपके सारे टॉपिक्स टॉपिक्स पुराने पुराने मिल जाएंगे पुराने आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएंगे चीजें तो ये टॉपिक समझ में आएगा ठीक है और अगर अगर ऐसा सीन है कि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही तो उसका भी एक सोल्यूशन है क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक और लिंक प्रोवाइड कर रखी है जिसमें आप किंडरगार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक्स फाइंड कर सकते हैं सारे प्लेलिस्ट की लिंक तो हमने क्या करा एक प्लेटफॉर्म बनाया जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाइन कर जाओगे जहां पे सारे प्लेलिस्ट की लिंक प्रॉपरली अरेंज है क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज पेपर वाइज एग्जाम वाइज आपके प्रॉपरली प्लेलिस्ट अरेंज है उनके नाम लिखे हुए हैं उनके सामने उनके लिंक्स हैं लिंक पे क्लिक करोगे उस प्लेटफॉर्म पर लैंड कर जाओगे जिससे कि आप उस कंटेंट को फेच कर सकते हो तो एक बार बिल्कुल यार अपने कंटेंट मतलब एक बार जितने भी जो भी आपको वीडियोज़ में प्रॉब्लम है जो भी कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है जो कुछ भी नहीं मिल रहा है उसको ज़रूर इसकी मदद से फेच करिएगा आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहां पर तो प्लीज़ डू दैट वंस ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मिल जाए ठीक है प्लीज़ डू दैट वंस ना अब आ जाइए वापस नीड ऑफ ए पे तो नीड ऑफ ए जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्या है ठीक है चलिए शुरुआत करते सो कंसिडर अनारियो वेयर अ ह्यूमन ब्रेन में फेल टू टेक एन इंटेलिजेंट डिसीजन एंड नीड समन हु कैन मेक अ वाइस एंड इंटेलिजेंट डिसीजन फॉर हिम तो एक सिचुएशन एक सीनारियो सोचिए जब ह्यूमन ब्रेन नहीं ले पा रहा है डिसीजन वो डायलमा में है इमोशंस की वजह से फंस चुका है या किसी भी परस्पेक्टिव से वो फंस चुका है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है और डिसीजन लेने के लिए अब वहां डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है तो वहां पर अब आपको एक एक, एक ऐसी चीज चाहिए जो डिसीजन ले सके ह्यूमन के अलावा मतलब ह्यूमन के जगह

ठीक है अब अ फ्यू मेजर पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एआई आर एज फॉलोस क्या क्या देखो सबसे पहले देखिएगा ए कैन हेल्प एस क्रिएट प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर और डिवाइसिस दैट आर एबल टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम सचेज़ हेल्थ इशूज ट्रैफिक इशूज़ विच नीड टू बी सॉल्व एफिशियटली एंड एक्यूरेटली अब बेसिकली हम ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं सॉफ्टवेयर बना सकते हैं डिवाइसिस बना सकते हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जैसे कि हेल्थ इशूज ट्रैफिक इशूज जिसमें हमें एफिशेंसी और एक्यूरेसी चाहिए मतलब किस चीज के लिए हम चाह रहे हैं इनको हम चाह रहे हैं भाई एफिशिएंसी के लिए या एक्यूरेसी के लिए अब बेसिकली यही दो चीजें हैं जिसमें आपका जो ए आई सॉरी जो ह्यूमन ब्रेन है वो लाग कर जाता है जैसे कि एक्यूरेसी कभी कभार उसकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है एफिशिएंसी गड़बड़ हो जाती है यहां आते हैं काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो ऐसी जगहों पे जहां पे आप इस एफिशिएंसी इस एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वहां पे हम एआई इंस्टॉल कर सकते हैं एआई सिस्टम बना सकते हैं वहां पे हम ह्यूमन बींग्स की जगह ए रिप्लेस कर सकते हैं नीड समझ में आई यस नेक्स्ट इज ए कैन हेल्प हेल्पस क्रिएटिंग आर पर्सनल वर्चुअल गूगल असिस्टेंट एंड एप्पल सीरी अब जब भी मैं बात करता हूँ एक असिस्टेंट की किसी भी रोल मेंसिस्टेंट जब भी मैं एक बात करता हूँ असिस्टेंट की तो असिस्टेंट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो परफेक्ट होना चाहिए या होनी चाहिए अब यहाँ पर बायस आ जाता है कि जब भी हम असिस्टेंट की बात करते हैं वी यूजअली थिंक ऑफ फीमेल्स ठीक है जैसे कि यहाँ पर भी आप गूगल असिस्टेंट या एप्पल सीरी की बात करूँ तो फीमेल वॉइस है तो यह बायस है तो इसके बारे में आपको बताएंगे आगे कि बायस का सीन क्या होता है ठीक है सो मतलब ऐसे दोनों में ही मतलब जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन बहुत जगह बहुत लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है पढ़ेंगे आगे ए आई के बारे में फॉर नो हम ये समझते हैं कि सपोज़ कोई भी असिस्टेंट है तब असिस्टेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही और शी मस्ट बी परफेक्ट परफेक्ट होना चाहिए और तुरंत काम को नोट होना चाहिए तुरंत रिस्पॉन्स होना चाहिए वो सब हमें चाहिए अब हम एक तरीके से ए को इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर कि एज ह्यूमन बींग हम काम कर रहे हैं हमारे असिस्टेंट की तरीके से हमने एक एआई सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जो हमारे नीचे है और हमारे सारे कामों को काम मतलब परफॉर्म करने का काम कर रहा है तो असिस्टेंट की तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ए ठीक है न ए आई कैन हेल्प अस बिल्ड रोबोट्स एंड डिवाइसेस विच कैन वर्क इन एन एन्वायरमेंट विच इज डेंजरस फॉर ह्यूमंस ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब ए आई बेसिकली हम डेवलप कर सकते हैं ऐसे सिस्टम्स में जहाँ पे रोब अगर कोई ह्यूमन बींग जाता है तो उसकी लाइफ को खतरा है तो अगर लाइफ को खतरा है तो उस उन जगहों पे अगर रोबोट्स को हम भेज रहे हैं तो ठीक है यार रोबोट्स हमारी जगह वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं है अगर जैसे सपोज अगर एक इलेक्ट्रिसिटी का एक हैवी इलेक्ट्रिक मतलब जहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज है है ना जैसे कि अगर बहुत हैवी टावर्स पे जो तारों के काम होते हैं जैसे सपोज इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होगी जिस वजह से किसी भी वजह से अब वहां पर करेक्ट करना है अब वहाँ पर एक ह्यूमन बींग चला गया जरा से गलती हुई उससे तो ऐसा शॉक लगेगा कि ही इज जस्ट नियर टू डेथ या शी इज़ नियर टू डेथ ये सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे हमें रोबोट मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ को रिस्क है वहाँ रोबोट इंस्टॉल किया जा सकता है एक्सट्रीम हीट वाली जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है एक्सट्रीम कोल्ड वाली सिचुएशन जहाँ बहुत ठंडी है या फिर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हैवी लोड है जिस जहाँ पे मतलब तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है जहाँ पे वहाँ पर ऐसी सिचुएशंस में जो ह्यूमंस के लिए फीजिबल नहीं है वहाँ रोबोट्स को दिया जा सकता है जैसे सपोज़ अगर मैं बहुत हाइट पे कहूँ बहुत हाइट पे ऑक्सीजन की कमी तो ह्यूमंस बीइंग सरवाइव नहीं कर सकते वहाँ पे वहाँ रोबोट्स का इंस्टॉलेशन तो ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ फ़िज़िकल बैरियर तो वहाँ पर हम रोबोट इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है ए आई ओपन फॉर अदर न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू डिज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज तो बेसिकली ए आई ओपन कर देता है एक नया पाथ फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर न्यू डिवाइसेज फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज तो नई नई अपॉर्चुनिटीज नई नई टेक्नोलॉजीज नई नए डिवाइस को एक्सप्लोर करने का ये एक रास्ता खोलने के लिए तैयार है सॉ स नाउ ए आई कैन बी यूज टू मेक एन इंटेलिजेंट डिसीजन एज कंपेयर टू ह्यूमन बींगस कभी कभार नॉट ऑलवेज कभी कभार ह्यूमन बींगस क्योंकि इनमें एफिशिएंसी नहीं है ठीक है एक्यूरेसी नहीं तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग में ए हेल्प कर देते हैं वो बेटर डिसीजन ले लेते हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स जैसे सपोज एक नॉर्मल से गेम की बात कर दूँ मैं सिर्फ नॉर्मल से गेम की बात चेस गेम चल रहा है चेस गेम में कौन जीतेगा जिसका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा अलग अलग स्टेजेस में जो प्रॉपरली जो भी प्लेयर को वो मूव कर रहा है वहाँ पर उसका डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए बिल्कुल कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए अब अगर एक एआई एक ह्यूमन को हराने की कैपेबिलिटी रखता है मतलब क्या मतलब वो भी वर्ल्ड चैंपियन को अगर हराने की कैपेबिलिटी रखता है मतलब क्या कि इसकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो चुकी है उस ह्यूमन से राइट right? तो वहीं पे मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे एआई रिप्लेस कर सकता है क्योंकि ऐसा हो भी चुका है ठीक है चेकर्स में चेस में ऐसा हो चुका है नेक्स्ट इज ए आई कैन बी यूज टू एनालाइज डेटा मोर डीपली अब इसे डेटा है आज की दुनिया की अगर मैं बात करूं तो आज की दुनिया में बेकर स्मार्टफोन्स आ गए सबके पास इंटरनेट रेडिली अवेलेबल है ठीक है तो अब क्या हो गया इतना ज़्यादा मैसिव अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है कि उसको ह्यूमन बींग्स ना तो हैंडल कर पा रहे हैं ना हैंडल कर सकते हैं ना प्रॉपरली डीप में डेप्थ में जाके उसका एनालिसिस कर सकते हैं दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग इतना डीप में जाके एनालिसिस करना क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से स्पीड मैटर करती है एक्यूरेसी मैटर करती है एफिशिएंसी मैटर करती है वहां पे आप एआई रिप्लेस कर सकते हो इस डीप एनालिसिस के लिए डेटा में डीप एनालिसिस करना है यूज़ ए वो कर सकते हैं वो उस कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं वो कैलकुलेशन का काम वो कर सकते हैं वो एफिशियंसी वो ला सकते हैं वो डेप्थ वो ला सकते हैं ए ला सकता है वो चीज़ ना टू मेनटेन सिक्योरिटी इन प्राइवेसी ऑफ डेटा मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अब कभी कभार क्या होता है सिक्योरिटी पर्पज से या प्राइवेसी पर्पज से हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है बट एज अमूमन बीग कभी कभार हम इमोशन्स में बह जाते हैं तो हम वो स्ट्रिक्ट या वो प्राइवेसी नहीं रख पाते ठीक है तो उस सिचुएशन में क्योंकि हम भावनाओं में बह जाते हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी बहुत, बहुत बहुत ब्रीच खुद से कर देते हैं हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस सिक्योरिटी ब्रिज की अब वहां पर वो सिक्योरिटी प्रॉपरली मेंटेन करने का काम कौन कर सकता है ए कर सकता है हमारे लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ए वो चीज़ हो सकती है वो डिवाइस हो सकता है जो हमें सिक्योरिटी या प्राइवेसी दिला दे नेक्स्ट टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम्स हैविंग द कैपेबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड गिव एडवाइस टू यूजर्स अब ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम्स बना सकते हैं मतलब हर फील्ड में हम एक ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हैं जिनकी कैपेबिलिटीज़ है कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन और एडवाइस बहुत अच्छे से दे सकते हैं तो कोई भी यूजर कहीं भी फंसे जैसे कि अब जैसे कि एक टीचर को रिप्लेस करने का काम कर सकता है एक एक्सपर्ट सिस्टम नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हाँ इस सेंस में ज़रूर कि वो एक तरीके से इंसाइक्लोपीडिया आपका गूगल है ठीक है अब एक तरीके से गूगल समझ लो गूगल में क्योंकि पब्लिक एक्सेस बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा गार्बेज भर चुका है अब तो आप उसमें कोई भी सर्च करते हो इन्फॉर्मेशन जरूर नहीं वो रिलायबल हो रिलायबल वेबसाइट पर सर्च करना चाहिए बट इमेजिन करो एक सिस्टम जो बिल्कुल बैक एंड से परफेक्ट है उससे आप कोई भी क्वेश्चन करो वो तुरंत आपको आंसर कर दे इससे बेटर क्या है कंसेप्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दे तो यहां पर हम एआई का यूज कर सकते हैं बट उसके लिए वो प्रॉपर सिस्टम बैक एंड बनाने की जरूरत है और बनाया जा सकता है ऐसा नहीं नहीं बनाया जा सकता बनाया जा सकता है तो जो टीचर रिप्लेसमेंट है उसका काम कर सकता है ए बिल्कुल नेक्स्ट इज एआ कैन ऑल्सो भी यूज टू स्पीड अप द वर्क परफॉर्मेंस अब स्पीड अप करने के लिए मतलब मैंने हमेशा कहा इफेक्टिविटी परफॉर्मेंस स्पीड इन सब में तो मैटर करता ही करता है एक्यूरेसी हो गया उनमें से उन सब जगहों पे ए आई तो एक्सेल करेगा ही करेगा ह्यूमन को डिफीट करके आगे बढ़ ही जाएगा ए आई दैट इज गोन बी दैट इज दैट इज हैपन ये होगा ही होगा तो यार ये सब कुछ नीड है मतलब ये सब चीज़ें हैं जो ए को अलग बनाती है हटके बनाती है देन योर ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस से डिफरेंट कैसे बनता है ए किसी की वजह से बता यही चीजें हैं जो ए को डिफरेंट बनाती हैं देन ह्यूमन ह्यूमन से अलग कैसे होगा इसी से होगा तो इन सब जगहों पे मतलब डेफिनेटली ह्यूमंस ऊपर है एआई के बट ऐसी जगह हैं लूप होल्स हैं ऐसे फिजिकल बैरियर्स हैं ठीक है ऐसे, barriers है, ऐसे थोड़े बहुत बैरियर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स नहीं कवर कर पा रहे हैं वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिट किया जा सकता है तो जरूरत तो अभी भी है ही है ना जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पस बताए एक्सट्रीम सिचुएशन इफेक्टिविटी स्पीड एफिशियंसी इन सब जगहों पर ए की जरूरत है तो यहाँ पे हमें इनको बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए सीखेंगे कैसे जब हम अपनी कैपेबिलिटीज बनाएंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे तो हम अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं विद द टॉपिक्स तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है आपके करिकुलम में ये चीज़ लॉन्च करके क्योंकि अभी से आप वो चीज़ सीखेंगे तो आगे फ्यूचर में क्या पता आप ही एक रोबोट बना रहे हो ऐसा ठीक है सो ये था नीड ऑफ ए अब आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और चीजें कवर करेंगे ए से रिलेटेड तो उन टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा, बिकॉज आई वुड बी वेटिंग फॉर यू इन माय सेशन ठीक है सो सी यू इन द अपकमिंग सेशन फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट वे एस मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम यहाँ पहुंचने के दो तरीके या तो सीधे सीधे यू आर एल पे डाल दो मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम या फिर गूगल पर सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन मैग्नेट ब्रेन की सारी वेबसाइट्स खुल जाएगी सारी आ, लिंक्स खुल जाएंगी बहुत सारी मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड सबसे पहली वेबसाइट जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वे मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम ये सर्च कर लीजिएगा वहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पहुंच जाओगे यह डायरेक्ट डाल दो यहाँ पहुंच जाओगे ये हमारा होम पेज है वेबसाइट का ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है यहाँ पे आपकी सारी कैटेगरीज हैं इसमें क्या करना सी बी एस सी के ट्यू ट्वेल्व इंग्लिश पे क्लिक करना ये पूरा क्लास पैलेट है क्लास एट्थ पे क्लिक करना तो क्लास एट्थ के अंडर इस कैटेगरी में मैग्नेट ब्रेन आपको जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे ठीक है यू यूनिट टू तो सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास एट्थ वॉचनाओ पे क्लिक करोगे तो आपकी ये सारी वीडियोज़ खुल जाएंगी चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियो खुल जाएंगे किसी भी पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन का सारा कंटेंट मिल जाएगा वेदर एन टी एस सी ओलम्पियाड सीबी एस स्टेट बोर्ड एन बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट यस यू हर्ड दैट वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ कंप्लीट कोर्सेट की होता हूँ कंप्लीट कोर्सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस इवन हमारे प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम अवेलेबल है आई टी जी अवेलेबल है नीट अवेलेबल है सी यू टी अवेलेबल है बैंकिंग के एग्जाम्स अवेलेबल है और ये सब कुछ भाई आप लोग के लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट बस आपको करना क्या है आपको आना है इनसे सीखना है अच्छा इवन अगर आपको यह लग रहा है ना यह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ यूट्यूब पर अवेलेबल है भाई ऐसा नहीं है YouTube पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही बाकी जो हमारी वेबसाइट है हमारे ऐप है यहाँ पर भी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे तो फ्री देख लिया यहां पे दो चैप्टर्स दो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा कुछ पेड नहीं भाई ये प्लेटफॉर्म्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी वेबसाइट भी हमारा ऐप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हमने आप लोगों के लिए बनाया है इसलिए ताकि आपको चीजें प्रॉपरली मेंटेन मिल जाए यूट्यूब पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है वो कहता है ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते तो हमने प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसमें आप चीजों को प्रॉपरली सर्च कर सकते हो कंटेंट मतलब प्रॉपरली हमने अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से अरेंज करके आपको दे रखा है कंटेंट कोई भी वीडियो कोई भी कोर्स कोई भी क्लास की से कुछ भी मिलने में दिक्कत यहाँ नहीं आएंगी आप बड़ी आसानी से किसी भी वीडियो को सर्च कर सकते हो किसी भी वीडियो को सर्च कर सकते हो उस वीडियो पे खोल के उसको देख सकते हो उससे लर्न कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म दोनों है आप लोग के लिए ठीक है कुछ भी पेड नहीं है ऐसा नहीं है दो चैप्टर दो वीडियो का पेड सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं ठीक है बस आपको करना कि आपको आना है सीखना है डाउट्स पूछने हैं प्रैक्टिस करना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं एनी ओर स्कूल एग्जाम्स एनियो बोर्ड एग्जाम्स एनियो कॉम्पिटिव एग्जाम्स दैट इज वट वी नीड फ्रॉम यू जस्ट गुड मार्क्स फ्रॉम यू ओके सो गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो अच्छी लग रही है प्लेलिस्ट पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो so रही है हमारी वजह से सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस जुड़ रही है बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंड गार्डन से क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे राइट right? मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुट बाय थैंक यू वेरी मच